ओम शांति, वेलकम बैक। और आप हम रिकॉर्डिंग कर रहे हैं 24 अगस्त के ईश्वर वरदान की, जहाँ परमपिता परमात्मा हमसे चाहते हैं कि हम और उसे दुआएं कमाएं। और एक बहुत अच्छी सी चीज़ कही परमात्मा, जो कि हम समझें कि दुआएं कमाने का तरीका क्या है और उसकी निशानी क्या है। तो परमात्मा कहते हैं कर्म और योग। कर्म तो हम करते रहते हैं दिन भर, आप भी कर्म करते होंगे, घर का काम हो, जॉब हो, बिजनेस हो, बच्चे संभालने हो, जो भी काम करते हैं, काम तो करते हैं ना, उसको कर्म कहते हैं। और योग, अब योग मतलब क्या हुआ? या तो मैं अपने आप को एक इनफाइनाइट एनर्जी, एक परा भौतिक ऊर्जा समझ करके कर्म करूं और शरीर ना समझ के कर्म करूं, शरीर समझ के कर्म किया तो मुझे रिटर्न में क्या मिला? मैंने कितने समय कर्म किया, मैंने और लोगों के क्या क्या किया, ये सारी चीज़ें याद आती हैं। मैंने अपने भाई के लिए क्या किया, बहन के लिए क्या किया, पति के लिए क्या करा, पत्नी के लिए क्या किया, हम इसको काउंट करना शुरू करते हैं। इसको हम कहें एक तरीके से मेजरमेंट करना शुरू कर देते हैं इसका। और जब मेजरमेंट होता है, तुलना होती है, और जब हम तुलना करते हैं और कुछ रिटर्न में ना मिले तो हम थकना शुरू करते हैं, उसको योग नहीं कहेंगे। योग मतलब कि मैं कोई नहीं, किसी का नहीं, और मैं ज़ीरो हूँ। मैं आत्मा कोई नहीं, किसी का नहीं और ज़ीरो हूँ। इसका मतलब क्या, मुझे किसी से कुछ चाहिए नहीं है, मैं कोई नहीं हूँ। मतलब कि मैंने इतना किया, मेरी अगर किसी के साथ में कोई संबंध के अनुसार अगर मेरे कर्तव्य हो रहे हैं, कर्म हो रहे हैं, भाई के लिए किया, बहन के लिए किया, पति के लिए किया, पत्नी के लिए किया, तो उसमें भारी बना जाता है। लेकिन मैं ऊर्जा ने किसी और ऊर्जा को मदद करी और हर दिन करते आ रही हूँ मैं आत्मा, ये कर्म या कर्तव्य में ऊर्जा, तो जा करके वो थकावट नहीं होती, चिड़चिड़ापन नहीं आता, अहंकार नहीं आता। ये आप समझ सकते हैं ब्रह्मा कुमारी उसमें आकर के और डिटेल में। लेकिन अब आगे बढ़ते हैं। तो परमात्मा कहते हैं कर्म और योग के बैलेंस द्वारा सर्व की ब्लेसिंग प्राप्त करने वाले सहज सफलता मूर्त भवा। कर्म में योग और योग में कर्म, किसी को याद करना, अपने आप को याद करना कि मैं कौन हूँ, ये भी एक योग हो गया। ऐसा कर्मयोगी अर्थात श्रेष्ठ स्मृति, आपकी याद जो है वो ऊंची याद है, श्रेष्ठ स्थिति, आपकी जो मनोस्थिति है वो ऊंची स्थिति है, और श्रेष्ठ वायुमंडल बनाने वाला सर्व की दुआओं का अधिकारी बन जाता है। और जो मैंपन में आता है, मेरेपन में आता है, मैंने किया, मेरे से हुआ, मैं ही करता हूँ, वो बहुत जल्दी थक जाता है और वायुमंडल खराब कर देता है, औरों के साथ में उसकी बनती नहीं है, और साथ ही साथ वह चिड़चिड़ापन में भी रहता है। तो परमात्मा कहते हैं कर्म और योग के बैलेंस से हर कर्म में पाप द्वारा ब्लेसिंग तो मिलती ही है। अगर परमात्मा की याद में आपने कोई कर्म किया तो आपने हल्के होकर कर्म किया और को भी खुश रखा, खुद भी खुश रहे, और सबसे ज़्यादा कौन खुश हुआ? परमात्मा की ब्लेसिंग्स मिलती हैं। बाप द्वारा ब्लेसिंग्स तो मिलती ही हैं, लेकिन जिसके भी संबंध संपर्क में आते हैं, हम जिसके भी संबंध संपर्क में आते हैं उनसे भी दुआएं मिलती हैं, सब उसे अच्छा मानते हैं। ये अच्छा मानना ही क्या है, दुआएं हैं। सोच लीजिए, अगर आपके बारे में कोई बुरा सोचता है तो आपने दुआएं नहीं, आपने बददुआएं कमाई है। कोई अगर आपसे खुश नहीं है, आपसे दुखी है, उसके कारण बहुत हो सकते हैं, आप सही रास्ते पर चल रहे हो, लेकिन कोई आपसे दुखी हो कि आप उल्टे कर्म क्यों नहीं करते हो ताकि उसका भला हो जाए, वो बदुआ नहीं लगती फिर। लेकिन आप उल्टे काम करते हो और कोई चाहता है कि आप सीधे क्यों नहीं हो जाते हो, तो वो बदुआएँ लग सकती हैं। सोचने वाली बात है ना। तो इसलिए परमात्मा कहते हैं कि दुआएँ कमाना, सही तरीके से कमाना, ये अच्छा मानना ही दुआएँ हैं। तो आपको कितने लोग कहते हैं कि आप अच्छे हो, सोच लीजिएगा। तो जहाँ दुआएं हैं वहाँ संयोग है, और यह दुआएं व संयोग ही सफलता मूर्त बना देता है। बहुत गहरी चीज़ है। आज इंसान अकेला फील करता है, आज इंसान सारी ताकत लगा देता है, सारी दुनिया के नाम ले लेता है, मैं इसको जानता हूँ, उसको जानता हूँ, ये करता हूँ, वो करता हूँ, लेकिन वो अकेलापन महसूस करता है, उसकी ऊर्जा खत्म होती जाती है, वो थकता जाता है। क्यों? क्योंकि उसने दुआएं नहीं कमाई हैं, उसको दुआएं कमाना आता ही नहीं है, क्योंकि वह अच्छा बनना जानता नहीं है।
और अगर हम अच्छा बनना जानते नहीं हैं तो हमारे साथ अच्छा भी हो नहीं सकता। हम अच्छे कर्म नहीं करते हैं अगर परमात्मा की याद में, तो हम दुआएं नहीं कमाते हैं, हम बददुआएं कमाते हैं। ये सारी चीज़ें हैं, कैसे समझें हम गहराई से, उसके लिए 7 डेज कोर्स करिए आप, और ये 7 दिनों में आपको समझ आएगा कि आपने गलतियाँ करी क्या करी हैं और आपको सुधार कहाँ करना है। बात यह आती है, मैं ही क्यों सुधरूँ, दूसरों को सुधारो, मैं तो ठीक हूँ, ये भी अभिमान है। समझें, परखें, पहचानें और आगे बढ़ें। इसके साथ ओम शांति।